मकाऊ की चमक धमक दिखाने के साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ का एक रेजिडेंशियल एरिया जो कि बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ की बनावट, आर्किटेक्ट एकदम डिफरेंट है। तो चलिए आप भी देखिए इस एरिया को। इसका ये नाम है लेकिन हर जगह लिखा हुआ है, हर कोने में इन्होंने इसको लिखा हुआ है। यहाँ इनकी अपनी लैंग्वेज में लिखा है। यहाँ पर कैमरास भी हैं सिक्योरिटी के लिए। अब हम चलते हैं आगे। जैसे मैंने अभी अभी आपको वहाँ का हिस्सा दिखाया है, यहाँ पर मैं आई हूँ तो मैंने देखा है कि एस्केलेटर भी बने हैं, इससे भी जा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ ऊपर आने के लिए है। और बारिश आ जाए तो शेड भी है क्योंकि बारिश यहाँ होती रहती है। और ये बीच में रेस्टोरेंट्स की लाइन है जहाँ पर अभी अभी हमने खाना खाया है। अब हम चल रहे हैं, कौन सी चर्च जा रहे हैं? हम सेंट डोमिन चर्च जा रहे हैं। अब फोटोशूट। यहाँ कहीं भी फोटो ली जा सकती, इतना खूबसूरत है। जिस रूट से हम चर्च जा रहे हैं वही रूट आप देख रहे हो। इसमें बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं है क्योंकि इसमें ना कोई हम व्हीकल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपको पैदल ही चलना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा। और यही रूट फॉलो करना है, अगर आप यहाँ आते हो तो आपको भी इसी रूट से उस जगह तक जाना है। तो चलिए कुछ और यहाँ की जो रेजिडेंशियल एरिया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, और इसको देखते देखते हम दूसरी तरफ निकलते हैं और एकदम से उधर मार्केट आ जाएगी। अभी आप बने रहिए वीडियो में। और यहाँ के जो रेजिडेंशियल एरिया है ये बहुत ज़्यादा वीडियोज़ यूट्यूब पे नहीं है, तो मैंने कोशिश की है कि आपको ये भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिखा पाऊँ और फिर आगे की तरफ बढ़ूँ, और जो भी उस चर्च तक जाने के लिए आ रहा है आपके साथ शेयर करती चलूँ। जनरल नॉर्मल रोड है, लेकिन इस लेडी ने हमें बताया है कि अगर यहाँ फोटो खींचेंगे तो बीच बीच में टेबल चेयर बनी हुई है, जैसे आप बीच बीच थोड़े थोड़े कलर देख रहे हो ना, तो यहाँ पर, तो यहाँ मैंने भी एक फ़ोटो लिया, मैं दिखाती हूँ आपको साथ में, कि वैसे ही लग रहा है जैसे मैं चेयर पर बैठी हूँ। इस तरीके की शॉप्स हैं यहाँ जो अभी दोपहर में बंद थी, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी खुलनी शुरू हो गई हैं। वैसे आज संडे है तो काफ़ी शॉप्स बंद हैं, लेकिन हाँ अभी ये छोटी छोटी शॉप्स खुलनी शुरू हो गई हैं। यहाँ पर खाना सस्ता, बढ़िया लेकिन ताज़ा मिलता है। ये वाली सड़क ध्यान से क्रॉस करनी चाहिए क्योंकि बीच में ट्रैफिक भी आ रहा होता है। खाने की फ़ोटोज़ बाहर बनी हुई हैं, नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो हेवन है, सस्ता भी है उनका खाना और आराम से मिल जाता है बहुत अच्छी वैरायटी में। वाओ, ये लग रहा है कोई मोनेस्ट्री टाइप है। इस तरीके की वीडियो मैंने जब यहाँ आने के लिए रिसर्च करने के लिए यूट्यूब में वीडियोस देखी तो कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये यहाँ की वो चीज़ होती है जिसमें कि अपनी पुरानी बुरी इच्छाओं को लिख के जला देते हैं। ये देवी देवताओं का स्थान है इनका। नहीं, मम्मी बुरी इच्छाएं जला के नहीं करते, जो जलाने वाला है वो इसलिए आपके मरे हुए लोगों के लिए है, पेपर पे जॉस पेपर जिसमें अच्छा। मरे हुए लोगों को चढ़ावा जलाना है। अगर आपको चाहिए आपके पूर्वजों को गाड़ी मिल जाए तो उस पर गाड़ी की फोटो होगी उसको जला दो। अच्छा हाँ, सिंगापुर में भी, तो मुझे माफ कीजिएगा, भैरवी ने करेक्ट कर दिया मुझे, माफ कीजिएगा, सही बता दिया है। फ्रूट्स के रेट आपको दिखाती हूँ थोड़े से। वैसे इसकी हांगकांग की वीडियो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हो जहाँ से हमने ग्रोसरी और फूड फ्रूट परचेज किए थे। ये ब्रेड शॉप है, ब्रेड और चावल ऐसी चीज़ है जो कि हम कहीं भी आसानी से ढूंढ सकते हैं, खा सकते हैं, बना सकते हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल पर होटल में जो मैं कुकिंग करती हूँ वो वीडियोस भी देख सकते हैं। वाओ, यहाँ ऊपर जाने के लिए भी है ये, और नीचे आने के लिए यहाँ सीढ़ियाँ, यहाँ उल्टा है। अब हम मेन रोड पर जुड़ने वाले हैं। ओह थैंक यू। ये यहाँ की अंदर की मार्केट है जो बड़ी बड़ी कैसीनो और वो सब आपको दिखाऊंगी, आप यूट्यूब वीडियोस में देखते हैं। ये उसके अलावा मकाऊ का एक हिस्सा है
अंदरूनी हिस्सा जहाँ पर ऑफिसेज हैं, रेजिडेंस है और रोज़मर्रा की चीज़ों की शॉपिंग के लिए शॉप्स हैं। गाड़ियाँ यहाँ बहुत अच्छी अच्छी होती हैं। अच्छा हमें ऊपर ही जाना है, ओके। अच्छा हमें यहाँ से ऊपर ही जाना था। मुझे लगा था ये ऊपर जाने वाला यहाँ एक ही बार है। ये रेजिडेंस हैं लोगों के, क्योंकि कपड़े सुखाने की चिमटियाँ लगी हुई हैं, उससे पता लग रहा है। नीचे शॉप्स हैं और ऊपर रेजिडेंस हैं इस पूरे एरिया में। कितना ब्यूटीफुल है। तो पास आना, आओ। इस रोड पर भी काफ़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंग है, शॉपिंग है, खाने के लिए चीज़ें हैं, गार्डन है, ऑफिस है और सबसे खूबसूरत ये रोड है, पोर्चुगीज स्टाइल में बनी हुई पूरी रोड। आगे तक ये ऐसी ही है, जो आगे रोड है वो भी सेम ऐसी है, पीछे जिससे हम चले आ रहे हैं वो भी ऐसी है, साथ वाली रोड भी ऐसी है। हेडवी हमें इस चर्च के लिए मैप के सहारे सहारे ले जा रही है, तो हमने फिर भी शॉर्ट रूट लिया है, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी दूर है क्योंकि पैदल ही पैदल चलना है और बीच में शॉप्स इतनी अच्छी आ रही हैं कि शॉपिंग करनी हो तो भी रुका जा सकता है। जैसे कि भास्कर को एक कैमरा लेना है तो वो पसंद कर रहा है कि अगर उसे यहाँ से कोई कैमरा पसंद आता है तो वो लेगा और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैप रीडिंग अगर आती है तो यहाँ पर घूमना थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि रूट्स हम थोड़े थोड़े शॉर्ट कर सकते हैं। पॉकेट्स हो ना जिसमें ज्यादा सी वैसा देखो, ये सबसे बेसिक होते हैं पर चलते हैं हर जगह। इस तरफ है नीचे देख के। हाँ वन माइनस वन में दबाना ग्राउंड है, माइनस वन टू एस्केलेटर सही है। फर्स्ट फ्लोर नहीं है लिफ्ट में, फर्स्ट फ्लोर ही नहीं लिफ्ट में, एक लिफ्ट और है इधर इससे देखते हैं। फर्स्ट फ्लोर के लिए लिफ्ट नहीं है तो अब हम इससे ऊपर जा रहे हैं और यहाँ पर राइट साइड पे खड़े होना होता है, लेफ्ट साइड पे नहीं खड़े होना होता है। WC बोलते हैं यहाँ, वॉशरूम जाना हो तो WC बोला जाता है, वॉशरूम बाथरूम किसी को बोलेंगे, टॉयलेट कोई भी नहीं समझ पाता है। Yeah.
यहाँ से टूर्स और पैकेजेस भी जाते होंगे ज़रूर, तभी ये ऑफिस इस तरीके का बना हुआ है। बंद है, सफाई हो रही है क्या? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, किसी वीडियो में नहीं देखा ये सब। राइट साइड पर खड़े हो जाइए प्लीज। हम लोग हांगकांग में रुके हुए हैं। हांगकांग से जब मकाऊ आना होता है तो हमने आने जाने की फेरी एक साथ बुक की हुई है। अगर बस से आना हो तो उसको भी एक साथ ही बुक करके आना चाहिए, क्योंकि शाम को यहाँ सब कुछ बंद हो जाता है और वैसे भी आज संडे है। तो आपने देखा होगा कि मॉल में भी उतना रश नहीं है, और मॉल में हमको आना पड़ा है WC यूज़ करने के लिए। WC बोलते हैं यहाँ पर वॉशरूम को, अदरवाइज़ आप किसी से भी किसी भी तरीके से पूछते रहेंगे वो नहीं बता पाएगा, तो ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद इस मॉल से फिर वापस बाहर जाते हैं और चलते हैं उस चर्च पर, और बहुत खूबसूरत और भी जगह आपके साथ शेयर करनी है। माइंड उस टाइप का हो नहीं रहा। नहीं का स्टाइल है, हाँ है तो, लेकिन वैसे मैं यहाँ के नहीं पहनती। आप हाँ, आप लोग भी नहीं। मुझे नहीं, मुझे नहीं, नहीं 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 डिफरेंट आउटफिट, इस आउटफिट के साथ ये वाले जूते चलते यार, इसमें छोटा ही साइज होने वाला है। पूछोगे कौन सा साइज पहन रहे हो? मेरा तो है 7। नहीं मैं बैठ नहीं रही, खड़े होके हम थोड़ा जल्दी ले लेंगे। हाँ ऑफ नहीं है शायद, है ना, लिखा होना था। हाँ कितने क्यूट हैं। फेमस जगह है अब इस स्क्वायर के आसपास की जगह मैंने आपको दिखा दी है, लेकिन यहाँ पर वो एक तो चर्च है और उसके अलावा एक और बहुत अच्छी सी खूबसूरत सी वॉल है, जो कि पूरी दुनिया मकाऊ के नाम पे उसको देख चुकी है, लेकिन हम वहाँ जाकर क्या एक्सपीरियंस लेने वाले हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। और उसके अलावा यहाँ पर रश बहुत है, अपना बैग संभाल कर चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कई जगह पर लिखा हुआ भी है पानी इस मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगा है, तो उस हिसाब से अपना इंतज़ाम जितना लेके चल सकते हैं लेके चलिए। और वेजिटेरियन फूड यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, कुछ ड्रिंक्स आपको मिल जाएंगी लेकिन वो इतनी मीठी होती हैं कि उससे और प्यास लगती है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा।
फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में और आपको दिखाती हूँ यहाँ के और खूबसूरत नज़ारे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।